आपको श्रृंखलाइज को स्वागत है। आज इतिहास के बारे में और इतिहास सब्जेक्ट के विषय में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले इतिहास में हम बात करें कि इतिहास के कितने भाग हैं। इतिहास के कितने कालखंड में बांट के पढ़ी जाती है या इतिहास का कितने भाग होते हैं। हम इतिहास के अगर बारे में चर्चा करें, इतिहास के मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। पहला, प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास। दूसरा, मध्यकालीन भारत का इतिहास। तीसरा, आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें मुख्यतः तीन इतिहास को हम लोग लेते हैं। यदि भारत का चौथे इतिहास की बात करें, उसे स्वतंत्रता के बाद का इतिहास। इंग्लिश में पोस्ट इंडिपेंडेंट करते हैं। अब हम बारीकी से प्राचीन भारत का इनिशिएटिव फेज को उठाएंगे, प्रारंभिक चरण को देखेंगे। और जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति नहीं हुई थी और लगभग ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई, वहां से हम लोग परिचर्चा करेंगे। तो प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ने के लिए हमें तीन कालखंड की जरूरत है। यानी इतिहास जो लिखी जाती है उसके लिए तीन कालखंड। हम जो इतिहास को पढ़ते हैं, समझते हैं और इतिहास को लिखने का विधि, इतिहास जो लिखी गई है वह तीन आधार है, यानी उसे तीन कालखंड कहा जाता है। तीनों कालखंड को चर्चा करेंगे। तीन कालखंड में, इतिहास के तीन कालखंड कौन कौन है, तो अध्ययन के सुविधा के दृष्टिकोण से लिखेंगे। अध्ययन सुविधा के दृष्टिकोण से इतिहास को, अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से इतिहास को तीन कालखंड में बांटा गया है। कितने कालखंड में? तीन कालखंड। अब इतिहास को अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से तीन कालखंड में बांटा गया है। ये तीनों कालखंड इस प्रकार।
और तीनों कालखंड का अपना अपना विशिष्टता है। पहला जिसे हम प्राक इतिहास के नाम से जानते हैं, अब प्राक इतिहास का समय करोड़ों वर्ष से लेकर तीन हजार ईसा पूर्व, पूर्व तक का करोड़ों वर्ष से लेकर के तीन वर्ष तक का काल। यानी कि जब पृथ्वी की पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, ब्रह्मांड से लेकर के जब पूरे ब्रह्मांड था ही नहीं, अगर ऐसा भी मिथ माने तो सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है ब्रह्मांड में, फिर ब्रह्मांड के बाद नाइन प्लैनेट, नौ ग्रह, जिसमें एक प्लैनेट को अभी ऑमिट कर दिया गया है, ग्रह के ग्रह से निकाल दिया गया है, जिस प्लैनेट का नाम प्लूटो है, नासा के वैज्ञानिक द्वारा इसे निकाल दिया गया, अब मात्र आठ प्लैनेट है। उसमें से सबसे जो महत्वपूर्ण प्लैनेट है वो है सन, वो है सन, और सन के बाद जो फिर इंपोर्टेंस है जहां पे लाइफ संभव है वो है पृथ्वी, क्योंकि सारा इतिहास पृथ्वी पर ही रचा गया है और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति होती है और जीवन की उत्पत्ति के साथ साथ जीव का विकास होता है और यही जीव का क्रमिक विकास धीरे धीरे होता गया और अंततः मानव का विकास हो जाता है। तो इसका उदाहरण के लिए हम प्राक इतिहास के उदाहरण के लिए अगर बात करें, कालखंड तो हम लोग जान गए, कालखंड के बारे में हम लोग जानेंगे क्या, जो कालखंड में प्राक इतिहास या प्राक इतिहास का एक नाम और दे सकते हैं पूर्व का इतिहास, और इसमें मुख्यतः जो इसका उदाहरण होगा इस इतिहास के लिए वह होगा पाषाण। पाषाण यानी पाषाण काल बोले तो पत्थर का युग, पत्थर का युग। और ये जो पाषाण काल है इस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं, यानी नो रिटेन एविडेंस, ये कंप्लीटली पाषाण काल में ही जीवन की उत्पत्ति, फिर जीवन की उत्पत्ति के रूप में एक कोशीय जीव की उत्पत्ति, अमीबा की उत्पत्ति, और यही अमीबा का क्रमिक विकास होता गया तो बहुकोशीय जीव का उत्पत्ति होता है, और यही बहुकोशीय जीव जीव के रूप में फिर बंदर की उत्पत्ति, और पहला बंदर रामापिथेकस, फिर इसी तरीका से बंदर की उत्पत्ति के साथ साथ फिर बंदर में क्रमिक विकास होता है और अंततः जाकर के मानव का विकास होता है।